आज हम लोग GTA 5 के अंदर कुछ सीक्रेट मोमो कार्स को चोरी करने वाले हैं और इन कार्स को चोरी करने के बदले में सिमियन हमें पूरे के पूरे 20 मिलियन डॉलर्स देगा। तो चलो भाई, सिमियन ने हमें पहली मोमो कार को चोरी करने के लिए इस विंड मिल एरिया पे भेजा है और उसने कहा है कि इसी में से किसी विंड मिल के ऊपर है हमारी पहली मोमो कार। तो यार इसी वजह से मैंने यहाँ पे अपनी हेलीकॉप्टर को मंगाया है और चल फ्रैंक जल्दी से इस हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ कर और हम लोग जल्दी से अपनी पहली मोमो कार को खोजते हैं। तो चलो भाई, हमने यहाँ पे अपनी हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ तो कर लिया है, लेकिन यार मुझे यहाँ पे कहीं कोई कार नहीं दिखाई दे रही। और एक सेकंड भाई, ये देखो हमारी जो कार है वो तो जस्ट हमारे सामने है और ये तो रेड कलर की है, लेकिन यार हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे कैसे? मेरे ख्याल से हमें वहाँ तक जंप मारना होगा। तो चलो हम लोग फुल पोजीशन में जाते हैं और अपनी हेलीकॉप्टर को यहाँ पे रखते हैं और कूदते हैं, जल्दी से पैराशूट खोलते हैं और आराम से फ्रैंकलिन, एकदम आराम से, बहुत रिस्की मामला है और चलो ट्राई करते हैं। अरे यार हमें फिर से ट्राई करना पड़ेगा। चलो भाई, तो पूरे 10 मिनट के बाद यार हम लोग फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन यार हमें अभी भी थोड़ा सा दूर और आगे चलना है। आराम से फ्रैंकलिन, मैंने बहुत मुश्किल से यहाँ पे लैंड किया है, तो आराम से यहाँ पे कूदते हैं, चल फ्रैंकलिन। ओके भाई, अब जाके जान में जान आई और तुम लोग देख सकते हो ये कार कितनी ज्यादा ओपी है। तो चलो भाई, हम लोग इस वाली कार में बैठ चुके हैं, अब हम लोग जल्दी से इसे यहाँ से निकालते हैं। ओके, सेफ लैंडिंग। और ये देखो यार, हमने कितनी आसानी से इस कार को विंड मिल से उतार लिया है। और यार ये शायद से एक फरारी है और तुम लोग इसका इंटीरियर भी देख सकते हो, यार क्या शानदार सा इंटीरियर है। तो चलो यार फ्रैंकलिन, जल्दी से अपनी पहली कार को घर पे ले चलो। ये देखो सिमियन, हमने तुम्हारे लिए एक मोमो की फरारी को लाया है। और क्या बात है सिमियन, तुम तो काफी अच्छा गिटार बजा ले रहे। तो चलो हम लोग इस कार को यहाँ पे पार्क करते हैं। और तुमने देखा यार, इसका दरवाजा कितने मस्त तरीके से खुल रहा, मैं एक बार फिर देखना चाहता हूँ। यार मुझे ये कार काफी ज्यादा पसंद आई। तो चलो यार चलते हैं अपनी अगली कार लेने। तो चलो भाई, हम लोग अपनी दूसरी कार को लेने मोमो के घर पे आ चुके हैं और तुम लोग देख सकते हो कि उसका घर कितना ज्यादा अच्छा है। और ये देखो भाई, उसने तो कार को फुल खुले में रखा है। तो चलो यार फ्रैंकलिन, इसे तो चोरी करना काफी ज्यादा आसान है। अरे यार ये कार तो लॉक है, अब हमें इसकी चाबी को ढूंढने के लिए मोमो के घर पे जाना होगा। तो यार उसके घर पे जाना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इस वजह से मैंने अपनी सेफ्टी के लिए गन को भी रखा है। और फ्रैंकलिन फुल तैयारी में, सबसे पहले हम लोग राइट चेक करते हैं, सेफ है, सेफ है। अरे अरे भाई यार, यहाँ पे तो मोमो थी यार, बाल बाल बचे हम लोग। अच्छा हुआ यार, हम लोग उसे और गोली मार देते हैं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ये जिंदा बच जाए। तो चलो यार हम लोग जल्दी से कार की चाबी को ढूंढते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ तो कार की चाबी नहीं है, यहाँ भी नहीं, और ये देखो भाई कार की चाबी तो यहाँ पे है। चलो फ्रैंकलिन, मुझे नहीं लगता कि मोमो इतनी आसानी से मर जाएगी, हम लोग जल्दी से इस कार को अनलॉक करते हैं और जितना जल्दी हो सके हम लोग यहाँ से निकलते हैं। यार मैं तो मोमो को देख के एकदम डर ही गया था, लेकिन चलो यार हमने फाइनली इस कार को चोरी तो कर लिया है। और तुम लोग देख सकते हो कि इसका जो इंटीरियर है वो भी कितना ज्यादा डरावना है। तो चलो यार फ्रैंकलिन, जल्दी से इसे भी अपनी कलेक्शन में ऐड कर लो। ये लो सिमियन, तुम्हें क्या अंदाजा कि मैंने कितना मुश्किल से इस कार को चोरी किया है। तो चलो हम लोग इसे यहाँ पे पार्क करते हैं और चलते हैं अपनी तीसरी कार को लेने। तो चलो भाई, सिमियन ने हमें तीसरी कार को चोरी करने के लिए इस समुद्र के एकदम किनारे पे भेजा है और उसने कहा है कि जो हमारी अगली कार है वो इसी में से किसी आइलैंड के ऊपर है। तो चलो यार मैंने अपनी स्नाइपर को निकाल लिया है, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई भी कार दिखाई तो नहीं दे रही।
यार किधर है हमारी कार? तो ये हमारी लास्ट आइलैंड है और ये देखो भाई यहाँ पे ये कार है। और भाई वो जो कार है वो पूरी गोल्डन है, लेकिन यार उस कार को निकालने के लिए तो हमें एक कार्गो बॉब की जरूरत पड़ेगी। तो चलो यार जल्दी से एक कार्गो बॉब को लाते हैं। चलो भाई, तो बड़ी मुश्किल से मैंने मिलिट्री वालों से इस कार्गो बॉब को चोरी कर लिया है। अब बस हमें उस कार के पास जाके उस कार को इस पे हुक करना है। तो चलो फ्रैंकलिन हम लोग जल्दी से नीचे चलते हैं, और यार ये बहुत ज्यादा हार्ड टास्क होने वाला है। ओके फ्रैंकलिन, बहुत सही, थोड़ा सा इसे नीचे करो। और भाई यस यार, तुम लोग विश्वास नहीं करोगे कि इस कार को हुक करने में कितनी ज्यादा दिक्कत हुई, लेकिन यार फाइनली हमने इस गोल्डन कार को इस कार्गो बॉब पे हुक कर लिया है। तो चलो यार फ्रैंकलिन, अब हम लोग जल्दी से अपने घर पे चलते हैं। चलो भाई, हमने फाइनली इस कार्गो बॉब से अपनी कार को उतार लिया है, और ये देखो यार ये वाली कार कितनी ज्यादा ऑसम लग रही। चलो हम लोग जल्दी से इसके अंदर बैठते हैं। और भाई ये कार पूरी गोल्ड की बनी है, तो चलो यार इसको सबसे पहले तो यहाँ से उतारा जाए। और सिमियन देख रहे हो हमने कितनी शानदार कार को लाया है, तो चलो हम लोग इसे यहाँ पे पार्क करते हैं। और यार ओ भाई, इसका दरवाजा भी कितना ज्यादा ओपी था। तो चलो यार आज की कलेक्शन काफी अच्छी बन रही, हम लोग चलते हैं अपनी चौथी कार को लेने। तो चलो भाई हम लोग फिर से अपनी अगली कार को लेने बीच के साइड पे आ चुके हैं। और यार इस बार सिमियन ने हमें बताया है कि जो हमारी अगली कार है वो इस ब्रिज के जस्ट नीचे है, लेकिन यार मुझे तो यहाँ पे कोई कार दिखाई नहीं दे रही। चलो हम लोग इधर देखते हैं। नहीं यार, और एक सेकंड, ये देखो भाई ये रही हमारी कार। और भाई तुम लोग इसका फर्स्ट पर्सन व्यू भी देख सकते हो, जो कि काफी ज्यादा ओपी लग रहा। और ये जो कार है वो पूरी पिंक कलर की है। तो चलो यार फ्रैंकलिन, आसपास तो कोई है भी नहीं, हम लोग जल्दी से इस कार को यहाँ से निकालते हैं। और यार इस कार का इंटीरियर भी काफी ज्यादा अच्छा है, तो चलो यार जल्दी से इसे भी अपने घर पे ले चला जाए। ये लो सिमियन, हमने तुम्हारी कलेक्शन के लिए एक और शानदार मोमो कार को ला दिया है। तो चलो यार हम लोग इसे यहाँ पे पार्क करते हैं। वैसे यार इसका जो कंट्रोल था ना वो काफी ज्यादा हार्ड था। तो चलो सिमियन जल्दी से बताओ अगली कार की लोकेशन। तो चलो भाई हम लोग अपनी अगली मोमो कार को लेने इस बिल्डिंग के एकदम टॉप पे आ चुके हैं, लेकिन यार सिमियन ने हमें कुछ खास बताया नहीं कि हमारी अगली कार किधर है। चलो हम लोग खुद ही ढूंढ लेते हैं। और एक सेकंड, ये क्या है? ये शायद से कोई ब्रिज है, लेकिन यार कहीं हमारी अगली कार यहीं पे तो नहीं। मैंने अपना स्नाइपर खोल लिया है, और सिट मैन, जो हमारी अगली कार है वो तो इस ग्लास ब्रिज के ऊपर है। यार इसका मतलब हमें इस कार को चोरी करने के लिए इस खतरनाक सी ग्लास ब्रिज को पार करना पड़ेगा। चल फ्रैंकलिन आराम से। यार भाई ये काश ग्लास ब्रिज टूटे ना, बस आराम से रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये ब्रिज कितना कमजोर है। ये देखो यार ये कितने आराम से टूट जा रहा। भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा। अरे भाई वो बंदा मुझ पे गोली क्यों चला रहा? अरे गोली मत चला यार, ब्रिज टूट जाएगा। सिट 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 सिट, हम लोग आगे भागते हैं। मैंने मना किया है ना तुझसे, गोली मत चला। भाई ये तो मर ही नहीं रहा है। अरे यार हमारे पीछे 2-स्टार पुलिस भी लग चुका। भाई ये मर क्यों नहीं रहा? मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग इसे जो है ग्लास से नीचे फेंक देते हैं। अब चल जा। अरे भाई यार ओके, हमें मरना नहीं है, हम लोग जल्दी से पैराशूट खोलते हैं। और फ्रैंकलिन आराम से बच के और सेफ लैंडिंग कर। तो चलो यार हम लोग वापस से उस ग्लास ब्रिज के ऊपर चलते हैं। तो चलो भाई हम लोग वापस से इस ग्लास ब्रिज पे आ चुके हैं, और यार इस बार तो ये ग्लास ब्रिज और भी ज्यादा टूट चुका है। तुम लोग देख सकते हो कि राइट साइड तो ग्लास है ही नहीं। तो चलो यार फ्रैंकलिन, अरे भाई धीरे धीरे, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा। तो तुम लोग देख सकते हो कि ये कार तो यहाँ पे आ चुकी है। तो चलो यार हमें क्या है, हम लोग जल्दी से इस कार के अंदर बैठते हैं। चलो भाई, तो हमने फाइनली इस कार को नीचे कुदा दिया है, और यार अच्छा हुआ कि कार फूटी नहीं, वरना तो फ्रैंकलिन का स्वाहा हो जाता। और भाई तुम लोग इस कार का इंटीरियर भी देख सकते हो, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। तो यार इस कार को चोरी करना तो काफी ज्यादा हार्ड था, लेकिन चलो यार फाइनली ये कार हमारे पास
पास है और अब हम लोग जल्दी से इसे अपने घर पे ले चलते हैं। ये लो सिमियन, एक खतरनाक सी ग्लास ब्रिज को पार करके हमने इस शानदार सी कार को लाया है, तो चलो हम लोग इसे यहाँ पे पार करते हैं। और यार ये कार काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लग रही, तो चलो यार चलते हैं अपनी अगली कार को लेने। तो भाई सिमियन ने हमें अगली कार को चोरी करने के लिए इस लॉस सैंटोस सिटी के बीचों बीच भेज दिया है, लेकिन यार मुझे यहाँ पे कोई तो कार दिखाई नहीं दे रही। यार यहाँ कौन सी कार हो सकती है? लेकिन एक सेकंड, तुम लोग ऊपर देख रहे हो? मुझे ऊपर कुछ तो दिखाई दे रहा है। चलो हम लोग स्नाइपर से चेक करते हैं। भाई यहाँ तो यूएफओ के ऊपर एक कार रखी हुई है। मेरे ख्याल से हमें उसी कार को चोरी करना है। चल फ्रैंकलिन, बिना देर किए जल्दी से आगे चलते हैं। लेकिन यार हम लोग उस वाले बिल्डिंग के ऊपर चढ़ेंगे कैसे? तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक अजीब सी सीढ़ी है। चलो यार हम लोग इससे एक बार ट्राई करते हैं। फ्रैंकलिन एक जंप मार, बहुत सही। और प्लीज यार हम लोग इस टेरेस पे चढ़ जाएं। और ये देखो यार, इस बिल्डिंग पे चढ़ना तो कितना ज्यादा आसान था। और भाई शायद से ये एक डायमंड की कार है। चलो हम लोग जल्दी से इस कार के अंदर बैठते हैं। बस यार ये कार लॉक ना हो, प्लीज यार ये कार लॉक ना हो, जल्दी से इसमें बैठा जाए। यस यार ये कार तो फुली अनलॉक है, लेकिन हम लोग इसे यहाँ से कुदाएंगे कैसे? चलो कुदाया जाए। और ये देखो यार, एक भी स्क्रैच इस कार पे नहीं आया है। और भाई तुम लोग इस कार का इंटीरियर भी देख सकते हो, जो कि कितना ज्यादा ओपी है। और यार मैंने अभी नोटिस किया कि ये तो एक मर्सिडीज की कॉन्सेप्ट कार है। और भाई ये कार पूरी डायमंड की है, इसका मतलब इसका प्राइस लगभग 100 करोड़ रुपए तो आराम से होगा। तो चलो यार फ्रैंकलिन, जल्दी से इसे भी घर पे ले चलो। ये देखो सिमियन भाऊ, इस बार हमने तुम्हारे लिए एक डायमंड की कार को लाया है और तुम्हें ये कार काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। भाई तुम लोग देख सकते हो कि ये सनलाइट में कितना ज्यादा शाइन भी कर रहा। तो चलो हम लोग इसे संभाल के यहाँ पे पार्क करते हैं। और चल फ्रैंकलिन, हमें अगली कार को भी लेना है। चलो भाई, तो जो हमारी लास्ट कार है उसको चोरी करने के लिए हमें एक दूसरे शहर में जाना पड़ेगा, जिस शहर का नाम है नॉर्थ एंगटन। तो यार वहां जाने के लिए हमें एक एरोप्लेन की जरूरत पड़ेगी, इस वजह से मैं यहाँ एयरपोर्ट पे आया हूँ। तो यार ये प्लेन मुझे काफी ज्यादा सही लग रहा, तो चलो यार फ्रैंकलिन जल्दी से इसमें बैठो और हम लोग इसे टेक ऑफ करते हैं। चलो भाई, तो हम लोग फाइनली नॉर्थ एंगटन पहुंच चुके हैं, लेकिन यार इस एरोप्लेन को लैंड करना मेरे बस का नहीं है। तो चलो हम लोग आराम से यहाँ से जंप करते हैं। और फ्रैंकलिन जल्दी से पैराशूट खोल और आराम से हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अरे यार फ्रैंकलिन थोड़ा ढंग से रह ले। तो यार अपनी मोमो वाली कार को खोजने के लिए हमें एक कार की जरूरत पड़ेगी, तो चलो यार मैडम जल्दी से इससे बाहर निकलो, क्योंकि मुझे एक बहुत ही शानदार कार की खोज करनी है। चलो भाई, तो हम लोग अपनी कार को खोजते चलते हैं, लेकिन यार मुझे तो अभी तक कोई भी शानदार सी सुपर कार दिखाई नहीं दे रही। हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कहीं यहाँ पे तो नहीं? नहीं यार, मुझे यहाँ कोई भी कार नहीं दिखाई दे रही। लेकिन एक सेकंड, वो कौन है? भाई मुझे सामने कोई तो दिखाई दे रहा। भाई ये तो मोमो साइरन हेड है। यार ये यहाँ क्या कर रहा? मेरे ख्याल से उसकी कार भी आसपास होगी। तो यार मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये जो मोमो साइरन हेड है, उसने हमें अभी तक देखा नहीं है। और तुम लोग देख सकते हो कि उसकी कार तो जस्ट हमारे पीछे खड़ी है। तो चल फ्रैंकलिन जल्दी से इससे मारा जाए। ओ भाई, इस पे शायद से असर हुआ। यार हम लोग क्या करते हैं, अपनी जल्दी से RPG निकालते हैं और हम लोग कहीं भी चलाते जाते हैं। भाई शायद से वो मोमो साइरन हेड मरी नहीं है, वो कहीं और छुप गई है। चल फ्रैंकलिन, इससे पहले कि वो मोमो साइरन हेड वापस आ जाए, जल्दी से इस कार में बैठ। यार वो तो वापस आ रही। भाई यार ये नॉर्थ एंगटन शहर तो बहुत ज्यादा डरावना है। तुमने देखा कि वो मोमो साइरन हेड कितना ज्यादा जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर रही थी। तो चलो यार फ्रैंकलिन, मुझसे सबर नहीं हो रहा, हम लोग जल्दी से लॉस सैंटोस की तरफ भागते हैं। फाइनली
भाई इतनी मुश्किलें झेलने के बाद हम लोग इस मोमो साइरन हेड की कार को भी लेके अपने घर पे आ चुके हैं। और सिमियन, आज मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, जल्दी से मुझे मेरे 20 million dollars दो। चलो यार, तो सिमियन ने मेरे पैसे भेज दिए हैं और यार अब तुम्हारी बारी है कि तुम जल्दी से नीचे कमेंट में बताओ कि तुम्हें आज की सारी कार में से कौन सी कार सबसे ज्यादा मस्त लगी। अगर भाई तुम मुझसे पूछो तो मुझे तो सबसे ज्यादा मस्ती है डायमंड कार लगी है। तो चलो यार, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय एंड जय हिंद।